नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने टाइप ऑफ प्रिंटर को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये इम्पैक्ट प्रिंटर को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं। करेक्टर के अंदर डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर को हमने डिस्कस किया था, ये पहला लेक्चर था हमारा। और जो लाइन प्रिंटर थे उसके अंदर ड्रम चेन और बैंड प्रिंटर को हमने डिस्कस किया था। बात करते हैं जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में सबसे खास बात क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर जो हेड होता है वो हमने देखा था कि किस तरह से वो स्ट्राइक करता है रिबन के ऊपर और पेपर के ऊपर। एक प्रिंटिंग लेते हैं हम, तो वहां पर हैमर को स्ट्राइक करना पड़ता है, पेपर के साथ कॉन्टेक्ट में आना पड़ता है, लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर ऐसा नहीं है, इसलिए इनको नॉन इंपैक्ट बोला गया है कि इस तरह के हैमर्स का इसके अंदर हम यूज नहीं करते, जिससे कि जो हेड है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आता पेपर के। तो नॉन इंपैक्ट जो प्रिंटर होते हैं हमारे पास तीन, हम मेनली जो यूज करते हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, इनका यूज किया जाता है, तो कॉमनली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं ये होते क्या हैं, और फिर इसके टाइप को देख लेते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, आपने देखा होगा हम एक तरफ से पेज को डालते हैं और फटाफट से प्रिंट होकर दूसरी तरफ वो आ जाता है, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी बोला जाता है। ये जो इनका हेड होता है वो कॉन्टेक्ट में नहीं आता पेपर के साथ, पहली तो खासियत इसकी यही है। दूसरा, ये जो प्रिंटर्स होते हैं एट ए टाइम में एक पेज को प्रिंट कर सकते हैं, और इसका जो टाइमिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू जो कॉस्ट होती है कि कितनी जल्दी आप कितने पेपर को प्रिंट कर सकते हैं। किसी में आप 10 पेपर को भी एक मिनट में प्रिंट कर सकते हैं, किसी में 100 पेपर को भी आप प्रिंट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट जो है ये जो है प्रिंटिंग स्पीड जो है बढ़ती चली जाती है, तो ये जो है वेरी करती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक सिंपल अवरिव हमने लिया, चलिए इसका टाइप देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका टाइप है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर जैसा कि इसका नाम दिया गया है, इसके अंदर ये लेजर का यूज करता है जो हमें प्रिंटिंग करनी है उसकी इमेज पेपर पर बनाने के लिए। चलिए इसको समझ लेते हैं, ये जो प्रिंटर होते हैं काफी गुड क्वालिटी प्रिंटर होते हैं, और दूसरा ये लेजर का और अदर नेसेसरी पार्ट्स का यूज करते हैं प्रिंटिंग पर्पज के लिए। इसको समझ लेते हैं, सबसे पहले जो चैम्बर होता है वो लेजर चैम्बर होता है इस प्रिंटर के अंदर। लेजर मिरर और उस हिसाब का इसके अंदर अरेंजमेंट किया जाता है। दूसरा चैम्बर होता है और एक तीसरा चैम्बर होता है, तीन तरह के इसके अंदर हम चैम्बर में, तीन तरह के चैम्बर्स के अंदर, या कहें कि तीन तरह के पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला जो चैम्बर हो गया एक तरह से लेजर चैम्बर है, जहाँ पर लेजर प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू जो मिरर है, मिरर के साथ वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेकंड चैम्बर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लेजर चैम्बर से तो क्या हुआ, लेजर आ रही है, ये कहाँ से कनेक्टेड है हमारा, ये हमारा कंप्यूटर की आउटपुट से कनेक्टेड है, जो भी आपको प्रिंट देना है उस हिसाब से लेजर यहाँ पर स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के रोलर होते हैं। पहला जो रोलर होता है उसको पीसीआर रोलर बोला जाता है, पीसीआर की फुल फॉर्म है प्राइमरी चार्जिंग रोलर। तो ये जो प्राइमरी चार्जिंग रोलर होता है इसको हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं, नेगेटिव सप्लाई इसको दी जाती है। दूसरा जो ये रोलर होता है ये होता है ओपीसी, ये होता है हमारे पास ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव रोलर। तो ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव रोलर होता है, इसको जो सप्लाई दी जाती है उसको सप्लाई दी जाती है पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है इसको। और जो थर्ड रोलर होता है वो होता है हमारे पास टोनर, और इसको ITR भी बोलते हैं, इमेज ट्रांसफर रोलर बोला जाता है। टोनर को भी हम जो सप्लाई देते हैं वो नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पीसीआर रोलर है यानी कि जो प्राइमरी चार्जिंग रोलर है, ये क्या करता है नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर स्प्रेड कर देता है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज को ओपीसी के ऊपर, ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव जो रोलर है इसके ऊपर। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ पर आ जाता है, अब इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं ताकि ये काफी अच्छी तरीके से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करे, तो इसके ऊपर आ जाता है। लेजर क्या करती है, लेजर जो है जब यहाँ पर पड़ती है जो भी अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग यहाँ पर करनी है वो यहाँ पर आती है और उसी हिस्से को डिस्चार्ज कर देती है।
याद रखिएगा, डिस्चार्ज कर देती है, यानी कि मान लीजिए उसने इतना हिस्सा जो है डिस्चार्ज कर दिया। अभी डिस्चार्ज जो हिस्सा है, अब यहाँ पर ये टोनर के साथ कॉन्टेक्ट में होता है, टोनर जिसमें इंक होती है, इसके ऊपर भी नेगेटिव सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो टोनर है इस डिस्चार्ज हिस्से को दोबारा से जो इंक है यहाँ पर सप्लाई कर देता है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ये तो पूरा नेगेटिव कर दिया पीसीआर ने पहले प्राइमरी चार्जिंग रोलर ने, फिर लेजर ने इसको डिस्चार्ज कर दिया जहां पर भी प्रिंटिंग होनी है, और इसी डिस्चार्ज जो जहां पर प्रिंटिंग होनी थी टोनर इसको इंक दे देता है। तो इंक देने के बाद यहाँ पर एक पूरी जो है पेपर के ऊपर वो इमेज आ जाती है, लेकिन वो जो इमेज होती है टेम्परेरी अभी होती है, तो उसको परमानेंट करने के लिए थर्ड चैम्बर का यूज किया जाता है। इस चैम्बर के अंदर हमारे पास दो रोलर होते हैं, एक हीटेड रोलर होता है और एक प्रेशर रोलर होता है। तो ये जो पेज है फिर यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है ये थर्ड चैम्बर के अंदर, और यहाँ पर हीटेड रोलर और जो प्रेशर रोलर है इन दोनों के बीच से उसको गुजारा जाता है, निकाला जाता है, और प्रेशर रोलर उसको प्रेस करता है, हीटेड रोलर उसको हीट करता है, क्योंकि यहाँ पर ये पाउडर की फॉर्म में होती है इंक, तो उसको जो है अच्छी तरह से वो मेल्ट कर देता है, या आप कहें कि जो टोनर की जो भी इंक है वो किसी भी फॉर्म में है, तो यहाँ पर हीटेड रोलर उसको अच्छी तरह से हीट करके और यहाँ प्रेस करके उसको परमानेंट करने का काम किया जाता है। तो इस तरह से लेजर प्रिंटर काम करते हैं। तो ये था हमारा लेजर प्रिंटर। चलिए सेकंड प्रिंटर ले लेते हैं, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? अब जैसा कि इसको नाम दिया गया है इंकजेट, यानी कि इंक का जेट हम लेते हैं, उसके थ्रू प्रिंट करते हैं। ये जो प्रिंटर है काफी कॉमनली यूज होते हैं, काफी सस्ते भी होते हैं अगर दूसरे प्रिंटर से हम इसका कंपैरिजन करें। और ये यूज क्या करते हैं, ये ड्रॉप्स का यूज करते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, इसीलिए हम इसको डीपीआई में भी इसको डिनोट करते हैं। डीपीआई यानी कि जो डॉट्स पर इंच होते हैं कि वो कितने हैं इस प्रिंटर के, एक इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं, कितने वो वहां पर फेंक सकता है, किस तरह की प्रिंटिंग है, तो वो चीज हम इसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल ड्रॉप्स का यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, और कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट इसके अंदर किए जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक नोजल होती है, इस तरह की एक नोजल होती है, और यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, ये क्या है हमारे पास, ये होती है नोजल, और यहाँ पर ये जो रेड कलर में हमने दिखाया है ये होता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट यानी कि गर्म करने के जो काम आता है, और इसी तरह की काफी सारी नोजल हमारे पास लगी होती हैं, और ये जो सारी नोजल्स होती हैं ये हमारी कनेक्टेड होती हैं पाइप्स के थ्रू। पाइप्स ये क्या होता है, ये पाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के पाइप्स होते हैं। अगर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो जितने कलर हैं उतनी तरह की यहाँ पर पाइप होती हैं, और यहाँ पर एक कंटेनर बना होता है इस तरह से, और उसके अंदर यहाँ पर पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग इंक को डाला जाता है, अलग अलग इंक इसमें डाली जाती है, लिक्विड टाइप में ये इंक यहाँ पर डली होती है। इस पाइप के थ्रू जो है वो हेड को ट्रांसफर होती रहती है जितने भी पाइप यहाँ पर लगे होते हैं। तो सिंपल सा हमने बनाया है, तो यहाँ पर तीन चार कई पाइप होते हैं, तो जितने यहाँ पर मेनली जो है चार पाइप लेते हैं, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन है कलर्स का बनाया जाता है। अगर कलर्ड की प्रिंटर की बात करें तो ये जो है इस नोजल से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हमने एक नोजल का देखा, इसका हिस्सा देखा कि किस तरह का होता है, इस तरह का, और यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। यहाँ पर जो है इंक पहले ही फिल रहती है। यहाँ पर एक पेपर ले लेते हैं, इंक हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए ब्लैक इंक है हमारे पास, तो यहाँ पर ये फिल रहती है। अब होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं, प्रिंट देते हैं, तो क्या होगा, ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये वर्किंग करने लगता है, ये हीट करेगा। हीट करने से यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ पर हीट कर देगा। अगर इसको हीट कर देगा तो यहाँ पर हमारा एक इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा हीटिंग होने से, क्योंकि वो उसके ऊपर दबाव बनाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी में फर्क पड़ता है जब हीट होती है, तो यहाँ पर ये दबाव बनाएगा, इस तरह की एक गैस सी उत्पन्न होगी जब आप इसको हीट करेंगे, यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, दबाव बनेगा तो यहाँ से एक ड्रॉप हमारी प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो ड्रॉप प्रोड्यूस होती है तो वो एकदम से नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर एक डॉट बना देती है। इस तरह से काम होता है, इसको आप दोबारा से समझ सकते हैं। होगा क्या इसके अंदर, देखिए जो हीटिंग एलिमेंट है पहले तो वो काम करेगा यहाँ पर, जो हीटिंग एलिमेंट है ये, और फिर यहाँ पर ये हीटिंग होगी,
यहाँ पर ये गैप बनेगा इस तरह से, और यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर दबाव बनाएगा, यहाँ पर ड्रॉप बनेगी, ड्रॉप यहाँ पर आकर इसके ऊपर यहाँ पर एक डॉट छोड़ देगी। एक और चीज यहाँ पर नोट करने की है, जब ये यहाँ पर आ जाएगी तो ये दोबारा से फिल हो जाएगी, क्योंकि ये हीटिंग करना तो बंद कर देता है, तो जैसे ही नीचे आता है तो एक बैक प्रेशर क्रिएट होता है जो इसको इंक को दोबारा से फिल कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। और यहाँ पर ये जो ड्रॉप होती है इसको हम मेन ड्रॉप बोलते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही यहाँ पर ड्रॉप आती है, एक और ड्रॉप आती है छोटी सी उसके साथ, मान लीजिए ये मेन ड्रॉप है, इसके पीछे जो है एक और ड्रॉप हमारी आती रहती है। ये जो ड्रॉप है यानी कि ये तो हो गई मेन ड्रॉप, और ये एक छोटी ड्रॉप होती है इसको सैटेलाइट ड्रॉप बोलते हैं। तो ये भी जो है इसके साथ यहाँ पर मान लीजिए गिर जाती है, यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है, और बाद में ये इसी के साथ मिल जाती है। ये बहुत ही माइन्यूट होती है, हमें पता भी नहीं चलता, एक डॉट पूरा बना लेते हैं। तो पूरी प्रोसेस इस तरह से होती है। इसी तरह से जिस हिसाब के हमें डॉट्स चाहिए, जिस हिसाब से डॉट के थ्रू हमें कोई भी प्रिंटिंग करनी है, कोई भी वर्ड लिखना है, तो इतने जो डॉट यहाँ पर बनते हैं और हमें एक प्रिंटिंग मिल जाती है जो भी हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। तो इस तरह से इंकजेट जो प्रिंटर्स हैं वो काम करते हैं। तो ये आपने समझा कि किस तरह से ये काम करते हैं। जो DPI है वो 600 से 1200 DPI तक हम इसके अंदर ले सकते हैं। 600 से 1200 डॉट्स पर इंच जो है इसके थ्रू प्रिंटिंग की जा सकती है। और अच्छे क्वालिटी के और भी बढ़िया बढ़िया प्रिंटर हैं जिसमें ये जो है डॉट पर इंच जो है उस हिसाब से हम चूज करते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्मल प्रिंटर्स के बारे में। थर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं? थर्मल जैसे कि इसको नाम दिया गया है, ये हीट का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। चलिए समझ लेते हैं इनको। ये जो प्रिंटर्स होते हैं काफी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करते हैं, ये हीट का यूज करते हैं, और स्पेशल टाइप ऑफ पेपर का भी इसके अंदर यूज किया जाता है प्रिंटिंग पर्पज के लिए। जो स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है ये वैक्स युक्त इंक का यूज करता है, यानी कि जो वैक्स की तरह की इंक होती है जिसको हम हीट करके पिघलाते हैं, और जब उसको पिघलाते हैं तो वहां पर जो जहां से भी हीट होता है वो पेपर, वहां पर ब्लैक मार्क आ जाते हैं, वो प्रिंटिंग हो जाती है। तो ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स इसके हम लेते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टाइप और एक होता है ट्रांसफर टाइप। डायरेक्ट टाइप कौन सा होता है? डायरेक्ट टाइप में हम सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर का यूज करते हैं, किसी भी तरह के रिबन का यूज नहीं करते प्रिंटिंग के लिए। इस तरह की ये एक मशीन होती है, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर का यूज किया जाता है। ये क्या है, हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है और इसके ऊपर जो है पहले से ही एक कोटिंग होती है, यानी कि इस पेपर के ऊपर पहले ही एक कोटिंग की जाती है, और उस कोटिंग को जो है इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसा भी आप प्रिंट देंगे तो उस हिसाब से वहां पर उसको पिघला देता है और वहां पर प्रिंटिंग हो जाती है। जैसे ही पिघलती है नीचे से जो ब्लैक तरह की इंक जो है वो हमें मिलती है। तो ये जो है डायरेक्ट टाइप होता है जिसमें हम किसी भी रिबन का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसी भी तरह के रिबन का प्रयोग नहीं करते, बस डायरेक्ट हीटिंग एलिमेंट इस स्पेशल टाइप ऑफ जो कोटिंग वाला पेपर है इसके ऊपर ही प्रिंटिंग करता है। इसके थ्रू हम बार कोड्स बना सकते हैं, मेनली जो इस तरह के बार कोड्स होते हैं, और बहुत तरह की आपने देखो कि छोटी छोटी मशीन जो है फटाफट से उनमें एक रोलर यूज किया जाता है वाइट पेपर का, और फटाफट से आपको बिल निकाल कर दे देती है। इसी तरह के वो प्रिंटर होते हैं थर्मल प्रिंटर, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हमें इंक की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सिर्फ जो है पेपर हमें लगाना पड़ता है और हीटिंग एलिमेंट अपना काम करता है और यहाँ पर हमें प्रिंटिंग देता है। दूसरा होता है ट्रांसफर टाइप। ट्रांसफर टाइप में एक हमारे पास पेपर होता है, एक रिबन भी हमें लेना पड़ता है, वैक्स युक्त रिबन हम इसके अंदर यूज करते हैं, और हीटिंग एलिमेंट हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारे पास, ये होता है हमारे पास हीटिंग एलिमेंट। तो ये हो गया हीटिंग एलिमेंट, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर रिबन होता है, रिबन हो गया, और यहाँ पर ये पेपर होता है। तो इसमें जैसे स्पेशल टाइप ऑफ पेपर था तो यहाँ पर लेके स्पेशल टाइप ऑफ पेपर की जरूरत नहीं है, रिबन हमें यूज करना पड़ता है, जिससे कि जब ये इसको हीट करता है तो उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ देता है। हीट करने के बाद इसके ऊपर छाप छोड़ देता है पेपर के ऊपर। तो दो तरह के होते हैं, अगर हमें ट्रांसफर टाइप का यूज करना है, डायरेक्ट टाइप का यूज करना है, तो वो जो है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो है मेनली ज्यादातर डायरेक्ट टाइप का यूज किया जाता है। ट्रांसफर टाइप का भी यूज काफी जगह किया जाता है, लेकिन आजकल जो आपने ज्यादातर देखी होंगी वो डायरेक्ट टाइप मशीन ही देखी होंगी। तो इस तरह से ये जो है काम करते हैं जो थर्मल प्रिंटर होते हैं, हीट का यूज करके
ये जो पेपर होता है उसके ऊपर की कोटिंग को ये पिघलाते हैं और वहां पर प्रिंटिंग करते हैं। तो ये थे हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के कुछ मेन जो टाइप है जो जनरली यूज होते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।